वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नोएडा के चर्चित भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी प्रकरण के चलते सड़क पर उतरे त्यागी समाज ने आज सुबह मेरठ में सिवाया टोल प्लाजा पर कब्जा कर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने टोल भी फ्री करा दिया। इस मौके पर भाकियू नेता मांगेराम त्यागी ने कहा कि उनके शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे धरना प्रदर्शन को एक माह हो गया है, अब उनके सब्र की और परीक्षा शासन प्रशासन ने ले। उन्होंने श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट लगाने पर नाराजगी जताई। उनको मनाने के लिए पुलिस क्षेत्र अधिकारी द्वाराला आशीष शर्मा व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी वहां पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। समाज के लोगों ने टोल प्लाजा पर गद्दे आदि डाल दिए हैं। इस मौके पर धरने का नेतृत्व कर रहे मांगेराम त्यागी ने त्यागी समाज को टारगेट बनाने का दावा करते हुए यह कहा, देख लो कार्रवाई तो हमने ज्ञापन दे रखा, जो जो कार्रवाई है उसमें लिख रखा, कोई गलत का वो नहीं है जी, उस पर वो चाह रहे कार्रवाई चाह रहे अधिकारियों पर, जो गैंगस्टर फर्जी तरीके से लगाई है गैंगस्टर, उस पर गैंगस्टर का एक होता है कोई मर्डर कर रखा हो और आपका कोई बलात्कारी हो, कोई बहुत बड़ा कोई बदमाश हो जिनमें संगीन लूट हो रही हो, बैंक लूट रखे हों, तीन चार घंटे में ही, मुश्किल से तीन घंटे में ही जो ना सब कुछ करके गैंगस्टर वगैरह कार्रवाई कर दी। अरे चलो हम ये कह रहे कि डॉक्टर महेश शर्मा को 100% रोड दी, राजेंद्र अग्रवाल को 100% दी, सभी विधायकों को तेरे सरकारी बनाई, और ये इतना बड़ा मामला है तो मोहल्ले में रोज हो रहा है, रोज होना आपस में गड़म गड़ोच हो, शाम को आ जाऊँ उनके मर्द जैंट आ जाऊँ फैसला करा दूँ, लेकिन उस जैंट बूझ का सारा जो है षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के खिलाफ जो है जहाँ जहाँ देखो जिस जनपद में देखो त्यागियों को टारगेट बनाया जा रहा है, तो इसमें आने वाला समय जब तो हमें कुछ पता नहीं है, सरकार को पता जी, अफसरों को पता, जब तक ये बैठा जब तक बैठे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।